अस्सलाम वालेकुम। आज बना रही हूँ कोयला चिकन, तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। यहाँ पर मैंने हाफ के जी चिकन लिया हुआ है और इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल जाएगा। और यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिया था और टमाटर को मैंने पीस लिया है, मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो आप टमाटो प्यूरी ले लीजिए। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम दही लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने 15 बादाम लिए है जिसके मैंने छिलके उतार लिए। और 2 मैंने यहाँ पर प्याज ली थी जिसको मैंने लाइटली ब्राउन कर लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा फॉर गार्निश। और यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम भी लिया है, ये भी हम जब सर्व करेंगे तो ऊपर गार्निशिंग में यूज करने वाले हैं। यहाँ पर सॉल्ट एज पर योर टेस्ट चला जाएगा। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर गर्म मसाला पाउडर। और ये कोयला चिकन है तो इसके अंदर कोयला बहुत जरूरी है, तो मैंने यहाँ पर चारकोल का एक छोटा सा पीस ले लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है 8 लौंग, 8 मैंने लौंग लिया है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, रेड चिली सॉस जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 1.5 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दही है, ये दही और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये देखिए रेड चिली सॉस, उसके साथ में धनिया, सॉरी जीरा पाउडर। तो अभी यहाँ पर देखिए ये जो रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये भी इसमें मैं ऐड कर दूंगी अभी। और इसमें हम सॉल्ट एज पर योर टेस्ट ऐड कर देंगे, आप अपने हिसाब से सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा। मैं अपने हिसाब से सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी। और मिक्स करने के बाद में तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से मसाले जो है कर्ड के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी और चिकन ऐड करने के बाद में मैं इसको 1 घंटे के लिए, ये मैरिनेट को मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। चिकन को मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, फिर आपको। तो यहाँ पे देखिए ये जो बादाम है और प्याज है इसको मैं अच्छे से पीस लूंगी, इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लूंगी। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, ये देखिए, और इसका मैं अच्छे से पेस्ट बना लेती हूँ, फिर आपको। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। तो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि चिकन को 1 घंटा नहीं हुआ है, 1 आवर नहीं हुआ है, तो जब वो हो जाए फिर मैं आपको आगे का स्टेप बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए अभी 1 घंटा हो चुका है और मैंने 3 टेबलस्पून इसमें तेल डाला हुआ है एक पैन में। और ये जो लौंग है इसको मैं इसमें डाल दूंगी और थोड़ा सा क्रैकल होने दूंगी लौंग को। तो यहाँ पे देखिए जो चिकन हमने मैरिनेट किया था वो चिकन मैं इसमें अभी ऐड करूंगी और इसको हम अच्छे से भून लेंगे 5 मिनट तक। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट मैंने इसको अच्छे से भुना है चिकन को मसाले में। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो टमाटर को मैंने पीस के लिया था वो मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको अच्छे से भून लूँगी और 3 मिनट अच्छे से इसको भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छे से जो चिकन है वो हमारा कुक हो चुका है, मैंने इसको लगभग 3 से 4 मिनट पकाया है। अब ये जो मैंने पेस्ट बनाया था बादाम और प्याज का वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए अब अगर आप चाहो तो इसमें पानी ऐड करना चाहो तो आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकती हो। तो मैं इसमें 1/2 कप पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, जो जार के अंदर मैंने बादाम और जो प्याज को पीस लिया था उसी के अंदर। और इसे मैं अच्छे से भून लूँगी, अभी अगेन हम इसको 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे और फिर इसको हम कोयले का भाप देंगे। तो इसको मैं 3 मिनट फास्ट फ्लेम पे पकाती हूँ, लेकिन आपने बीच बीच में इसको अभी चलाते रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसमें जो बादाम का पेस्ट है उससे ये नीचे लगने लगेगा, तो हमें बीच बीच में से इसे चलाते हुए पका लेना है 3। तो यहाँ पे देखिए ये जो साइड से आपको ऑयल दिख रहा है, इट मीन्स कि ये जो मसाला है बहुत ही अच्छे से भून गया है। तो मैंने क्या किया, चिकन को थोड़ा सा बीच में ले लिया है, अब हम इसको कोयले का भाप देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं अब क्या करूँगी, ये जो गैस का फ्लेम तो अभी मैं बंद कर दूँगी और इसके बाद में मैं इसमें ये जो कोयला है चारकोल का पीस वो मैं इसमें डाल दूंगी। और आज मैं बटर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। तो बस मैं ये बटर इसमें डाल दूंगी और इसको मैं ढक दूंगी फॉर 5 मिनट और उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ पे देखिए जो भाप है कोयले का वो बहुत ही अच्छे से इसको मैंने दे दिया है ग्रेवी को। ये पूरा खत्म होने तक ही कोयले का जो भाप है वो पूरा खत्म होने के बाद में ही आपने जो लीड को ओपन कर लेना है। अब मैं इसको सर्व कर दूंगी। सर्व करते टाइम मैं इसमें क्रीम और जो हरा धनिया है उसको ऐड करूंगी, आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसके ऊपर क्रीम डाल दूंगी, ये देखिए। और ये रेसिपी जो है वो नान के साथ में और पराठे के साथ में बहुत ही अच्छी लगेगी। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया हम गार्निशिंग में ऐड करेंगे और ये जो मैंने टमाटो का फ्लावर बना के रखा हुआ है उससे हम इसे गार्निशिंग कर लेंगे। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।